Hey guys, welcome back to my new blog. I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम हैं पुष्कर में और आज आपको दिखाने वाले हैं हम पुष्कर घाट और पुष्कर में विजिट करने के लिए क्या क्या होटल्स रहते हैं, क्या क्या रिसोर्ट रहते हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी हमें पुष्कर के अंदर अभी हम जा रहे हैं पुष्कर घाट दिखाने के लिए और हमारे पीछे भैया है जो कि आ चुके हैं। तो हम आपको दिखाएंगे आज के दिन में पूरे पुष्कर घाट और कौन कौन से होटल जो रहते हैं बेस्ट रहते हैं वो आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये है पुष्कर का मार्केट, मतलब हम पुष्कर के अंदर और एंटर फोर व्हीलर से आते हो आपको अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एंटर हो जाते हो पुष्कर के अंदर। और मतलब अभी हम जा रहे हैं घाट की तरफ, तो अभी हमारे को यहाँ पे टर्न लेना पड़ेगा और अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है ब्लॉग्स में। आपको दिखाएंगे पुष्कर के अलग अलग जो घाट है वो किस तरीके से बने हुए हैं, तो पुष्कर घाट आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह होते रहते हैं और यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं, कितना अच्छा माहौल रहता है डांस का, गाने का। और यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन होते रहते हैं, किसी फंक्शन की तैयारी चल रही है जो कि नाइट में होने वाला है। और ये है सनसेट पॉइंट, तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा और आप देख सकते हो कि अभी सनसेट होते हुए मेरे जस्ट सामने आप देख सकते हो कि सनसेट हो रहा है। और आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पुष्कर पेयर घूमने, कैसा लगा अंकल पुष्कर? तो आपको सारे घाट ही घाट दिखेंगे अलग अलग तरह के। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, आपको दिखाएंगे कौन सा घाट किस तरह होता हुआ। और अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ घाट, आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से पुष्कर में घाट बने हुए हैं अलग अलग तरीके के। यहाँ पे लोग पुष्कर, ये पुष्कर सरोवर और आप देख सकते हो कि सामने बिल्कुल कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप घाट में चलोगे तो आपको अपनी चप्पल जो होती है उनको हाथ में लेना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से हमारी चप्पलों को हाथ में ले लेते हैं और उसके बाद हमारे को घाट पे आगे जाना अलाउ है। मतलब चप्पल पहन के आप घाट पे नहीं जा सकते, मतलब देख सकते हो कि आप भी फॉरेनर भी अपनी चप्पलों को हाथ में लेके आ रहे हैं आप देख सकते हो। और ये पुष्कर के घाट है, यहाँ पे कुछ लोग स्नान कर रहे हैं आज के दिन। हम देख सकते हो कि मेरे सामने बंगला घाट और यहाँ पे बना हुआ ये, और इस तरीके से यहाँ पे लोग अभी बैठ के पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। और पुष्कर सरोवर पे ऐसे ही मतलब लोग आते हैं ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी मतलब यहाँ की वाइब्स ही बहुत प्यारी। आप यहाँ आओगे तो आपको एक अलग ही वाइब्स फील होती है, एक अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे घाट पे आने के बाद। और यहाँ पे दीपदान है आज, तो लोग यहाँ पे दीपक जला रहे हैं जो कि रात को जलाए जाएंगे यहाँ पे दीपक, तो यहाँ पे अभी उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। और देखोगे नीचे तो आपको दिखेगा कीर्तन आ चुका है, दूसरा घाट जो कि है महादेव घाट। और आप देख सकते हो कि महादेव घाट के सामने का कुछ माहौल इस तरीके से बना हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो कि आगे लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे आगे पूजा हो रही है। 12 घाट है और पुष्कर के अंदर आपको एक बात बताऊं कि टोटल 52 घाट है, टोटल 52 घाट है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे लाके उनको प्रवेश करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी यहाँ पे आज के दिन ज्यादा भीड़ रहती है। कार्तिक का महीना है ना सबसे बड़ा। और 52 घाट है यहाँ पे पुष्कर में। और ये यहाँ पे पुष्कर ब्यूटी कुछ इस तरीके से यहाँ पे घाटों पे, और इस तरीके से यहाँ के घाट बने हुए हैं ऊपर तक, अलग अलग मजा है। मतलब यहाँ पे आप बहुत देर तक बैठे रहो ना तो एक अलग ही सुकून फील होता है आपको। और एक अलग ही घाट आ चुका है जो कि है नरसिंह घाट, मतलब आप इसमें पीछे मार्केट से भी एंटर हो सकते हो। और यहाँ पे दीपदान होने वाला है, तो दीपदान की तैयारी चल रही है। आगे आप देख सकते हो कि अलग अलग पेंटिंग बनाई गई है। और यहाँ का पानी मतलब लोग भर के भी ले जाते हैं बोतलों में। और आप देख सकते हो दूर दूर तक पुष्कर सरोवर कितना झिलमिला रहा है, मतलब धूप की जो किरणें यहाँ पे पड़ रही है। दीपदान होने वाला है शाम के टाइम, तो आपको मैंने दिखाया कि हर घाट पे अलग अलग तरीके से तैयारी हो रही है, तो इस घाट पे भी लोगों ने दीपक सजा रखे हैं। यहाँ का कुछ माहौल रहता है इस तरीके से घाट का कि लोग अलग अलग तरीके से दीपदान कर रहे हैं। गाइस मैं आपको थोड़ा हाइट से दिखाता हूँ पुष्कर सरोवर का जो व्यू है वो कैसा लगता है। और आप देख सकते हो कि हम थोड़ा ऊंचाई पर हैं। प्यार लगता है, मतलब उधर की साइड में सनसेट हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे रोशनी दिख रही है क्योंकि वहाँ पे सनसेट पॉइंट है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के घाट है जो कि आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे पेंटिंग हो रही है, अलग अलग चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे भी अलग अलग घाट, आगे आप दिखाऊँ आपको जूम करके, तो आगे भी देख सकते हो आप बंदर हैं, काफी सारे घाट बने हुए हैं यहाँ पे। आगे लोग देखो घाटों पे स्नान हो रहा है, लोग घाटों पे बैठे हैं, मतलब शाम को सुकून का माहौल होता है जब पास में बैठते हैं। अभी हमने फिश का दाना लिया है और आप देख सकते हो कि मेरे सामने यहाँ पे फिश है और हम इनको दाना डालेंगे एकदम, और देखते हैं। देखो मैं जब बारिश तेज होती है ना, तो आप ये जो दिख रहा है आपको बीच के अंदर जो बना हुआ है ये पूरा डूब जाता है, मतलब ये खाली सिर्फ जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना ये सिर्फ दिखता है, बाकी ये पूरा डूब जाता है आपके लिए। और अभी भी लोग काफ़ी लोग जो स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। इस घाट जो है ब्रह्मा घाट और गऊ घाट, इसके आगे ये गऊ घाट और ये है ब्रह्मा घाट जो कि आगे तक बना हुआ है, आप देख सकते हो कोई कुछ नज़ारा है।
तो गाइस आपको दिखा दिया मैंने कि पुष्कर घाट का व्यू कैसा रहता है, पुष्कर घाट कितने रहते हैं, मतलब काफी सारे घाट हैं, काफी सारी पूजा यहाँ पे होती है, अलग अलग घाट पे अलग अलग मंदिर आपको मंदिर मिल जाते हैं और पूजा करने वाले लोग मिल जाते हैं आपको, अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अभी दीपदान हो रखता है तो आप पीछे देख सकते हो कि मतलब चारों तरफ दीपदान हो रहा है। और ये था कुछ पुष्कर, मतलब जो लेक है, पुष्कर जो घाट है, कुछ इस तरीके से पुष्कर घाट बने हुए हैं। तो और आपको मैं आपको जो रिसोर्ट प्रेफर करने वाला था वो था कंट्री साइड रिसोर्ट पुष्कर, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसके रूम टूर दे रखा है, जो अच्छा रिसोर्ट है, आप वहाँ पे जाके स्टे कर सकते हो। कि यहाँ पे भी आरती चल रही है, पूजा चल रही है, जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो। जतिन केडी। अच्छा, तो भैया से हमारे को सब्सक्राइब करवाएंगे हम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अजमेर से। अभी सनसेट पॉइंट आ चुके हैं, सनसेट पॉइंट की कैफे है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, बैठ सकते हो। और अभी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए तैयारी चल रही है, काफ़ी सारा क्राउड है, आप देख सकते हो शाम के टाइम में बहुत क्राउड रहता है यहाँ पे। आप आओ तो शाम के टाइम ही आना सनसेट पॉइंट पे। और यहाँ पे भी देखो आप चल रही है। तो गाइस कुछ ऐसा था हमारा ब्लॉग आज का, मतलब आपको पूरा दिखा दिया हमने, पुष्कर घाट दिखा दिए, पुष्कर के घाट्स की क्या क्या है, मतलब कितने सारे घाट बने हुए हैं वहाँ पे, अलग अलग पूजा आप करवा सकते हो, स्टे कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, सनसेट पॉइंट पर विजिट कर सकते हो, शाम के टाइम में कुछ ऐसा माहौल रहता है। तो होपफुली आपको वीडियो मजा आया, अगर वीडियो आज तक देख लिया तो लाइक करें, बिना मत जाना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट, मतलब इसके अगले पार्ट में और नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें आपको और मजा आने वाला है।